पूळमिदं पूरा पूरात्पूढमुदच्यते पूरा ऊढस्य पूरा पूडमादाय पूरा ऊडमेवावशेष्यते ओम शांते 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 शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः न ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभगिने व्योम नमः दक्षिणमूर्त नमशा शांति वेदांत <coughs> दर्शनात्मक ग्रंथ का एक प्रकरण है ग्रंथ सार इसमें अनुबंध चतुष्टय का विचार हुआ अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन तो अधिकारी का कर्तव्य और गुरु का कर्तव्य का प्रदर्शन हुआ संसार के प्रति जो अत्यंत विरक्त है जिसको सामान्य रूप से आपात रूप से विवेक हो गया आत्मा ही नित्य है और अनात्मा अनित्य है तो आपात रूप से विवेकी अधिकारी है तो उसका ये कर्तव्य होता है उस आत्मा ज्ञान से ही मुक्ति होती है इतना उनको ज्ञान है साधक को तरति शोकम आत्म और आत्मज्ञान तो वेदांत प्रमाण से प्राप्त होगा यद्यपि वेदांत प्रमाण से ही आत्मज्ञान होता है लेकिन तो वेदांत प्रमाण का श्रवण गुरु मुख से ही होता है ये भी उनको ज्ञान है साधक को यदि ज्ञान ना होता तो गुरु के पास क्यों जाता है तो गुरु के पास आत्मा ज्ञान के लिए ही जाना होता है तद विज्ञान अर्थम गुरु में बा विगछित कैसा गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का है और उनके पास जाना है तो उपहार लेकर जाना है उपहार है समित कहा। शुष्क ईंधन शुष्क ईंधनते उपलक्षित वैराग्य आदि तो ये कर्तव्य है अधिकारी का और ऐसा अधिकारी यदि प्राप्त हो अपने शरण में आता हो तो गुरु का कर्तव्य होता है कि परम कृपा से ही उसका कल्याण करे आत्मज्ञान दे तो श्रुति कहती है तस्मे स विद्वान उपसन्ना प्रसन्ना हो गया उप उपसर्ग तो प्रत्यय उपसन्न उपसन्न का अर्थ हुआ विधिवत आया हुआ शिष्य को कहा जाएगा उपसन्ना तो उसको उपदेश करे उपदेश का हेतु तो क्या होगा गुरु को क्या मिलेगा उसको तो मिल चुका है सब वो तो कृतकृत्य हो चुका है पूर्णा हो चुका है वो तो अधूरा है ही नहीं तो कह दिया परम कृपा परम कृपा से ही गुरु की प्रवृत्ति होती है शिष्यों के लिए लेकिन जिस आत्मा का उपदेश करना है वो आत्मा तो अनाम है और है आदि का विषय नहीं है तो उसका उपदेश कैसे किया जाएगा तो वेदांत में एक न्याय है का अर्थ प्रक्रिया प्रणाली जिस प्रणाली से प्रक्रिया से आत्मज्ञान हो जाए आत्मज्ञान की प्राप्ति आत्मा का साक्षात्कार जिस प्रक्रिया से होती है उसको कहते हैं यहाँ पर न्याय प्राप्त है ये अपने बोल दिया अयगत तो। अयगत तो धातु से hmm. नी उपसर्ग आंग उपसर्ग hmm. तो आंग न करने से भी होगा अयगत तो से प्रत्यय करने पर हो जाएगा न्याय hmm. तो नियते प्राप्यते ते आत्मस्वरूप अने तो क्या न्याय है अध्यारोप अपवाद तो इसलिए यहाँ पर अध्यारोप क्या है अपवाद क्या है ये बताया जा रहा है तो अध्यारोप बता दिया कि वस्तु ने अवस्तु आरोप अध्यारोप सद वस्तु में अध्यस्त पदार्थ का आरोप भ्रम इसको कहते हैं अध्यारोप अध्यास ले लो, ज्ञान अध्यास, अर्थात् अध्यास, यह अध्यारोपण, <coughs> अधी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, रूप धातु होता है, रूप रूप, रूपों विमोहने रूप। घाय प्रत्यय करने पर अध्यारोप हुआ तो वस्तु और अवस्तु आरोप हुआ। अध्यारोप वस्तु तो है ब्रह्म जो सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप है ब्रह्म वही है वस्तु और उसमें अवस्तु है अज्ञान आदि जड़ समूह ज्ञान आदि से उसका कार्य ये सब जो है अवस्तु है अज्ञान अज्ञान निमित्त का। अज्ञान उपहित तो ये सब हो जाएंगे है ना आदि से लीजिए कार्य ले लो अज्ञान उपहित तो भी ले लो ईश्वर जीव ये अज्ञान का कार्य तो नहीं है लेकिन अज्ञान से उपहित है आदि से ही ध्यान रखना है ना आदि से अज्ञान का कार्य ले लो अज्ञान उपहित भी ले लो जीव ईश्वर ये सब विश्व तेजस प्राज्ञा बेष्टि उपहित समष्टि उपहित, सब को सबको ले लो आदि शब्द से ये सो देखा जाए तो जड़ी है उसका स्वरूप भले ही चेतन तो जड़ है उस वृत्ति में चिदाभाष की अभिव्यक्ति होती है इसलिए जीव को इसलिए चेतन कहा जाता है अच्छा अज्ञान फिर अज्ञान क्या है वेदांत में ये लक्षण देखो अज्ञान लक्षण प्रमाण अभ्याम वस्तु सिद्धि लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है तो प्रमाण तो ये ही, ही लक्षण भी है सद असद्याम अनिर्वचनीय अज्ञानम ये लक्षण है शब्द से भी जिसका निर्वचन नहीं होता है जिसका निर्वचन होता है उसको बोलते हैं निर्वचनीय निर्वक्तुम योग्यम इति निर्वचनीय न निर्वचनीयम इति अनिर्वचनीय तो साथ से निर्वचन का नहीं कर सकते आप और असत भी नहीं कर सकते साथ से इसलिए नहीं कर सकते जो ज्ञान से अज्ञान का बात होता है भी नहीं सचेत तेरी ना हाँ। बाध्यता स्वादिष्टा ज्ञान है ना बा, बाध्य बाध्यते ने बाध्य बाध्यते ठीक है बाध्यते इति सत बाध होता है इसलिए सत भी नहीं कह सकते असचेत तरी न प्रतीयत प्रतीयते अतः न सत प्रतीत हो रहा है अज्ञान प्रतीत हो रहा है और ब्रह्मा न जाना में मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ अज्ञान की प्रतीति हो रही है अज्ञान के कार्य की प्रतीति हो रही है सत असत से जो अनिर्वचनीय होता है यही अज्ञान और एक लक्षण बता दिया त्रिगुणात्मकत्व त्रिगुणात्मकत्व हाँ। त्रिगुणम हाँ। आत्मा स्वरूपम यश्य तत्गुणात्मक आत्मा का स्वरूप इसका स्वरूप तीन गुण है या, यही अज्ञान अज्ञान माया अविद्या प्रकृति ये वेदांत में पर्जाया है अच्छा और एक लक्षण है ज्ञान विरोधी भाव रूपम ये लक्षण है और नादी को जोड़ दीजिए अनादित्व सत्य भावत्व सत्य ज्ञान निवर्तव अज्ञान से लक्षणम ये लक्षण हुआ जो अनादि हो भाव हो और क्या ज्ञान से निवृत्त्य हो ज्ञान से निवृत्य हो तो ज्ञान विरोधी कह दिए ना तो यहाँ पर विरोधी शब्द का अभिप्राय ये है क्योंकि तार्किक लोग अज्ञान को ज्ञान विरोधी ऐसा नहीं मानते वो लोग अभाव मानते हैं अभाव अभाव मानते हैं जो अज्ञान में जो नया आया न ज्ञानम इति अज्ञानम तो यहाँ पर जो नया तो आया और जो दिखाया जाए ना ये न का अ है नोप नया है नकार कलोभ यहाँ कारकलोभ हुआ नकार कार का हुआ तो और नए तत्पुरुष समास है, है। यहाँ पर जो नए शब्द का अर्थ है वो लोग अभाव लेते हैं तार्किक लोग अभाव लेते हैं जैसे मृत्यु कल बताया मृत्यु का में घट उत्पन्न होने वाला है उपादान में लेकिन अभी घट तो नहीं है यह भूत यह मृतिकायाम घटो भविष्य घट होगा आगे अभी नहीं है औसत कार्यबादी है तार ये घट का प्रागभाव है यही इसी अगर ज्ञान अभी नहीं हुआ है ज्ञान आगे उत्पन्न होगा आत्मा में वेदांत के अनुसार नहीं न्याय के अनुसार इसलिए अज्ञान क्या है ज्ञान का प्रागभाव है ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो फिर अज्ञान का नाश हो जाएगा घट उत्पन्न हो जाएगा तो घट का प्रायभाव नहीं होता है इसलिए घट बनने के बाद पुनः घट नहीं उत्पन्न होता है क्यों नहीं होता है घट का प्रागभाव प्राग नहीं है तो घट का प्रागवा होगा तब ना उत्पन्न होगा ये तार्किकों की युक्ति है है ना तो ज्ञान उत्पन्न हुआ तो ज्ञान का नाश हो गया आगे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो दूसरा ज्ञान है वो ऐसा तार्कि का कहना है तो ऐसा कोई न ना समझे नए अर्थ यहाँ पर अभाव में है ऐसा कोई न समझे कभी तो विरोध अर्थ में तत्सादृशम अभावश्च तदन्यतम तदल्पता और प्राशस्तम विरोध नये अर्थ सट प्रकृतिता ये नए के अर्थ है छ अर्थ है जो सूत्र में मैंने बताया है ठीक है प्रकार यहाँ पर भी ले लो अज्ञान का अर्थ हुआ ज्ञान विरोधी वो ज्ञान का विरोधी है वो ज्ञान <coughs> और देखो लक्षण लक्षण लेकर रखना है अनादित्य सत्य भावत्व सत्य ज्ञान निवर्तितम अज्ञान से लक्षणम ये अज्ञान का लक्षण हुआ अनादि हो भाव पदार्थ हो और ज्ञान से निवर्त्य हो तो ज्ञान निवर्तित तुम तो नहीं कहेंगे अनादि होकर के भाव हो कहेंगे तो वो तो आत्मा भी है अनादि और, और भाव पदार्थ भी है तो लक्षण आत्मा में चला जाएगा हम्म अज्ञान लक्ष्य में जाते हुए और लक्ष्य में गया तो अतिव्याप्ति दोष होगा है कि नहीं और लक्ष्य हो गया आत्मा लक्ष्य हो गया अज्ञान अनादित्व सती भावत्वम ऐसा लक्षण करेंगे तो आत्मा में अनादित्व भी है और भावत्व भी है तो आत्मा में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति दोष होगा है ना? इसलिए कह दिया ज्ञान अनिवर्तित तम ज्ञान अनिवर्तित तम कहेंगे तो आत्मा में नहीं जाएगा अज्ञान में ही जाएगा और केवल इतना कहेंगे अनादित्य सति ज्ञान अनिवर्तित तम कहेंगे तो प्राग भाव में चला जाएगा भाई तार्कि का जो प्रागभाव है हाँ। तो प्रागभाव को अनादि मानते हैं वो लोग ठीक है ना अनादि शांत अभाव प्रागभाव हम्म तो लक्षण कर रहे हो अज्ञान का चला गया प्रागभाव में तार्किकों का प्रागभाव में इसलिए कह दिया भाव रूप तब तो प्राग भाव तो भाव रूप नहीं है वो तो अभाव पदार्थ है और यदि इतना करोगे भावत्व त्वे क्षति ज्ञान अनिवर्धतम कहेंगे तो अज्ञान में तो गया अनादि पदना पर लेकिन अज्ञान के कार्य में चला गया घटपटादि में चला गया तो घटपटादि प्रागभाव ये घटपटादि भाव पदार्थ है और ज्ञान से निवृत्त भी है ज्ञान से निवृत्त भी सर्प आदि प्रातिभाषी पदार्थ में भी जाएगा और घटपटादि व्यवहारिक पदार्थ में जाएगा ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया तो सर्पादि प्रातिवेशिक का भी पाद हो जाएगा व्यवहारिक का पाद हो जाएगा है ना इसलिए कह दे अनादि ये अनादि नहीं है कार्य अनादि नहीं होता है कार्य तो शादी होता है इसलिए तीनों पदों का सार्थक है लक्षण होता है अनादित्व क्षति भावत्व ज्ञान लेकिन भाव जो कहते हैं अज्ञान को भाव का अर्थ ये नहीं कि भाव पदार्थ है अभाव से विलक्षण है अज्ञान अभाव से विलक्षणता को दिखाने के लिए अज्ञान को भाव कह दिया जाता है अभी तो भाव पद का भी वो निर्वचन नहीं है ऐसा कोई पदार्थ है ज्ञान से विरोधी है भाव पदार्थ है अनादि है यत कुछ वस्तु तो है ऐसे घटपटादि की तरह ऐसा नहीं उसका निर्वचन नहीं कर सकते जैसे बढ़ने की शक्ति है बढ़ने की शक्ति दिखती नहीं है लेकिन शक्ति का कार्य दिखता है दहन तो आदि क्रिया दिखती है इसलिए शक्ति है कोई अग्नि में इस प्रकार से अज्ञान भी कोई शक्ति है ब्रह्म में आत्मा में यदि नहीं हो तो विलक्षण कार्य कैसे होगा और दूसरी बात है कि ब्रह्म तो निर्विशेष है एक दीयम श्रुति बोलती है उसमें कोई धर्माधर्मी भाव है ही नहीं हम्म तो फिर जो है इतना बड़ा संसार कैसे बनाया यह तो वाई माने भूतने जानते श्रुति बोलती है कोई ना कोई शक्ति तो है उसका नाम आपने रख दिया अज्ञान माया अविद्या और श्रुति प्रमाण भी है अज्ञान में और साक्षी अनुभव भी है तो अहम अज्ञान ये देखो साक्षी अनुभव है जैसे सुख दुख साक्षी भाष्य है है? मुझे सुख हुआ कि नहीं हुआ संशय नहीं होता है साक्षी भाष्य होता है इसी प्रकार से अज्ञान भी साक्षी भाष्य साक्षी से प्रकाशित हो रहा है साक्षी को आवृत नहीं कर सकता साक्षी को यदि आवृत कर देगा अज्ञान तो फिर अज्ञान का फिर भान कैसे होगा अज्ञान का प्रकाश किससे होगा फिर <coughs> तो ये देखो साक्षी अनुभव अहम अज्ञा मैं अज्ञानी हूँ मैं नहीं जानता अहम ब्रह्मा न जाना अहम ब्रह्माज्ञ मैं ब्रह्म का अज्ञा हूँ मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ मैं हल तो किसको जान रहे हो जैसे उड़ने के बाद बोलते हो अहम आह। किंचित अवेदिशम ना किंचित अहम अवेदिशम अहम सुखम अस्वापसम मैं बड़े सुख से सोया इसका मतलब अज्ञान को जान रहे थे काल में अज्ञान का यदि भान न होता फिर उड़ने के बाद उसका स्मरण न होता है अनुभूत पदार्थ का स्मरण होता है तो अनुभूत पदार्थ का अनुभव जन्य संस्कार होता है संस्कार से विस्मरण होता है ठीक इसी बगर यहाँ पर कोई पूछा जाए तुम शुद्ध ब्रह्म को जानते हो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को जानते हो बोले अहम न जाना मैं ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म इसका मतलब ब्रह्म विषक अज्ञान को आप जानते हो अज्ञान साक्षी भाष्य है साक्षी से प्रकाशित होता है <coughs> और अनुमान भी करते हैं लोग पंचपादिका विवरण आचार्य प्रकाश ज्योति बड़ा सुंदर अनुमान किया है अज्ञान के विषय में विवाद पदम प्रमाण ज्ञानम स्वप्रागभाव्यतिरिक्त स्विषावरण स्वनिवर्त्य स्वदेश गस्तंत्र पूर्वक अप्रकाशितार्थ तो प्रकाशक अंधकारे प्रथम उत्पन्न दीप प्रकाशवत ऐसा अनुमान किया उसने जब ज्ञान होता है प्रमाण से प्रमाण ज्ञानम प्रमाण जन्यम यदि ज्ञानम ब्रह्माकार वृत्ति योग्य प्रमाण ज्ञान है तो वेदांत प्रमाण से होने वाला ब्रह्म होने वाली ब्रह्माकार वृत्ति आम असीम परम ब्रह्म ये प्रमाण ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान वो निवर्तक होता है किसका निवर्तक होता है ब्रह्माकारा वृत्ति का जो विषय है ब्रह्म उस ब्रह्म में कोई आवरण है।, है वो आवरण को निवर्त करती है वृत्ति इसलिए वो आवरण कौन है वो अज्ञान है वो अज्ञान है वो वो प्रागभाव से स्वप्रागभाव्यतिरिक्त वो प्रागभाव नहीं है वो अज्ञान ज्ञान का प्रागभाव नहीं होता है इसलिए स्वप्रागभाव्यतिरिक्त हम्म बड़ा सुंदर वहां पर विचार किया स्विष आवरण निवर अज्ञान का विषय है ब्रह्म उसमें आवरण होता है अज्ञान उस अज्ञान रूपी आवरण को वो निवृत्त कर लेती है ब्रह्मकार आवृत्ति जैसे प्रकाश होता है प्रथम उत्पन्न दीप प्रकाश है बहुत जैसे दीपक जलाया दीपक जलाया जो प्रकाश हुआ वो निवृत्त हुआ कि नहीं किसका निवृत्त हुआ अंधकार का निवर्तक हो गया इस वेगा ब्रह्म वृत्ति रूपी जो ज्ञान है वो भी निवर्तक होता है किसका भी अज्ञान का हो ब्रह्म का निवर्तक तो होगा नहीं ज्ञान कुछ ब्रह्म में आश्रित कोई अज्ञान है ब्रह्म को विषय करने वाला कोई अज्ञान है जैसे कोई ज्ञान का विषय होता है है ना और ज्ञान का आश्रय होता है जैसे मान लो हाँ घट हो गया आ, हो हम घटम जाना में तो ज्ञान का विषय हो रहा है घट और ज्ञान का आश्रय होता है ज्ञान का आश्रय होता है आत्मा अथवा चीधावश ले लो अथवा उसकी उपाधि अंत ले लो कोई ना कोई आश्रय होता है ज्ञान का ज्ञान का जैसे कोई आश्रय होता है ज्ञान का कोई विषय होता है ठीक इसी प्रकार से अज्ञान का भी कोई विषय होगा और अज्ञान का भी कोई आश्रय होगा ये जो अज्ञान है मूल अज्ञान उसका भी कोई ना कोई विषय होगा कोई ना कोई आश्रय होगा वो कौन है भाई विषय शुद्ध ब्रह्म है तो शुद्ध ब्रह्म को ही मूल अज्ञान विषय करता है और आश्रय भी करता है उसका अधिष्ठान भी शुद्ध ब्रह्म है लेकिन आश्रयत्व विषयत्व तो तो भागिनी निर्विभागा चितिरेव केवला <coughs> उसका आश्रय उसका विषय निर्विशेष चेतन ब्रह्म है श्रुति कहती है देखो देवात्मा शक्ति में सगुणित निगुणान इत्यादि एक तो साक्षी अनुभव बता दिया आपको अनुमान ही बता दिया अज्ञान के विषय में पहले लक्षण बताया उसके बाद प्रमाण लक्षण अभ्याम वस्तु सिद्धि सद असद्यम अनिर्वचनम इत्यादि से लक्षण हुआ और अहम आज्ञा ये प्रमाण है देवात्मा शक्ति ये भी प्रमाण है और आपको अनुमान बता दिया <coughs> तो देवात्मा शक्तिम, देव है आत्मा देवश्चाशु आत्मा देवात्मा देव का तो संप्रकाश जो सबको प्रकाशित करे और किसी से प्रकाशित न हो इसलिए सम प्रकाश आत्मा का स्वरूप तो संप्रकाश है ज्ञान रूप होने से आत्मा संप्रकाश है <coughs> उसमें एक शक्ति है देवात्मा जो चेतन शुद्ध ब्रह्मा उसमें एक शक्ति है वो शक्ति उस आत्मा में आश्रित है और आत्मा विषयक है आत्मा को विषय करता हो उससे विलक्षण है वो हम्म उसको भिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न भी नहीं कर सकते भिन्ना भिन्न भी नहीं कर सकते जैसे बन्ही की शक्ति को बन्ही से भिन्न भी।, भी नहीं कर सकते भी अभिन्न भी नहीं कर सकते अभिन्न इसलिए नहीं कह सकते लोग बोलते ना बन्नी ही शक्ति ऐसा नहीं है जैसे मान लो बन्ही दहन क्रिया करती है उसमें कोई मणि रख दिया चंद्रकांत मणि रख दिया चंद्रकांत यदि मणि रख दिया इसको प्रतिबंध करती है कि नहीं वो रोक देती है कार्य को किसको बन्ही को रोकती है क्या किसका प्रतिबंध बन्ही का है? नहीं बन्ही में कोई एक है बन्ही तो है ही वहाँ पर चंद्रकांत मणि रखने पर ही बन्ही तो है ही हो ये वेदांतियों का कहना है फिर किसका प्रतिबंध है बन्ही का प्रतिबंधक तो नहीं है बन्ही में कोई एक शक्ति है उसका प्रतिबंध और चंद्रकांत मणि हो तो शक्ति नहीं ऐसा है इसलिए शक्ति को वेदांति लोग बनने से भिन्न अभिन्न नहीं और सर्वता भिन्न भी नहीं कर सकते यदि भिन्न होती शक्ति बनने की शक्ति बनने से तब तो बनने को छोड़ कर रहती जैसे पट घट से भिन्न है इसीलिए पट घट को छोड़ करके रह सकता है ठीक इसी प्रकार से बनने की शक्ति यदि बनने से भिन्न होती तब तो बनने की शक्ति बनने को छोड़ करके कर रहती लेकिन छोड़ करके नहीं रहती है इसलिए भिन्न भी नहीं कह सकते हो अभिन्न भी नहीं कह सकते हो भिन्न भिन्न तो ही नहीं सकता है विरोध <क्षण> है भिन्ना भिन्नता में विरोध होगा स्वगुण ही उसका गुण है सत्व गुण रज गुण तम गुण उससे आवृत कर लेती है आत्मा के विशेष अंश को आवृत कर लेती है सामान्य अंशों को तो नहीं आवृत करती है आत्मा के सामान्य अंश को यदि आवृत कर दे तब तो, तो फिर माया किस में भाषेगी फिर <laughs> है हाँ, जैसे मान लीजिए रज्जु यदि रस्सी सर्वथा आवृत हो जाए तो सर्प ही नहीं दिखे देगा रस्सी को ढक दो पूरा कपड़े से सर्प दिखेगा नहीं दिखेगा ना, हाँ फिर रज्जु का विशेष अंश ना दिखे रज्जु ना भान ना हो लेकिन तो ना भान हो हाँ तब जा के सर्प की भ्रांति होती है सर्प भासता है जिस प्रकार इसी प्रकार से ब्रह्म का विशेष अंश का भान ना हो मेरा स्वरूप ब्रह्म है ऐसा भान ना हो और मैं हूँ करके भान तो होता हो तब जाकर के अज्ञान भासता है इसलिए आत्मा अधिष्ठान है क्योंकि उसका विशेष ज्ञान नहीं होता है और सामान्य ज्ञान हो रहा है ये जो अज्ञान है इदम अज्ञानम कैसा अज्ञान जिसका लक्षण बतलाया सत असत भ्याम अनिर्वचनियम इत्यादि वाक्यों से और अहम अज्ञा इत्यादि प्रमाण से देवात्म शक्ति इत्यादि प्रमाण से जो प्रमाणित है और लक्षित है ऐसा जो अज्ञान है इदम अज्ञानम वो अज्ञान तो एक ही है लेकिन उसका व्यवहार होता है नानात्य न एक भी कह सकते हो अनेक भी कह सकते हो भाई कैसे वो अज्ञान एक भी कैसे और अनेक भी कैसे होगा इसलिए गुरु से परंपरा से सुनना होगा एक भी है अनेक भी कैसे <coughs> समष्टि बेष्टि अभिप्रायण इति च व्यवहरियते, किम व्यवहरियते अज्ञान है ना? तो अनिर्वचनीय कल्पित माया में ऐसा जो अज्ञान है उसका व्यवहार होता है व्यवहार किया जाता है ये सब व्यवहार है ऐसा व्यवहार है बंधन से लेकर के सब मुक्ति पर्यंत सब व्यवहार ही है <coughs> तो समय ही प्राय से एक बोल सकते हो और बेष्टिय ही प्राय से उसी और ज्ञान को अनेक बोल सकते हो कैसे तथा ही तथा ही का अर्थ ये न प्रकारेण अज्ञान एक अनेक व्यवहार तेन प्रकारेण जानी ये तथा तो ही शब्द का अर्थ होता है जिस प्रकार से अनिर्वचनीय अज्ञान का व्यवहार एक रूप से भी होता है अनेक रूप से भी होता है उस प्रकार से जानो ये तथा तो ही पारिभाषिक शब्द है वेदांत में तथा ही का जथा जैसे देखो वृक्ष कह दिया वृक्ष वृक्ष तो का जो समुदाय है उसको बोलते हो जंगल वन बोलते हो वो बन कितना हो गया एक हुआ कि नहीं हुआ लेकिन अलग अलग देखेंगे तो आम्र वृक्ष है प्योत् वृक्ष है अलग अलग वृक्ष है वो तो बेष्टि हो गया ना हाँ तो व्यष्टि रूप से देखेंगे तो अनेक हो जाएगा एक वृक्षों के देखें हाँ ये भी है वन वो भी वन है वो भी वन है <laughs> कोई मान लीजिए औसत वृक्ष के नीचे बैठा हो तब तो भी कहाँ पर हो तुम तो? एक वृक्ष के नीचे तो बैठा है फिर भी बोलते मैं जंगल में हूँ और जो आम्र वृक्ष के बैठा है वो भी बोलता मैं जंगल में हूँ तो एक वृक्ष में भी वन का व्यवहार हो जाता है तो ये बेष्टि हो गया तो वो जो एक वृक्ष है वो वन से भिन्न नहीं है वन का अवयवे अवयव और अवयवी में आ, अभेद भी होता है और भेद भी होता है जैसे मीमांसा में मीमांसा जैसे मृतिका और घाट में मृतिका और घट में जैसे भेद है कि अभेद भेद भी होता है अभेद भी होता है न? का तो न अवेद होता है घटत्व तो भेद होता है है ना? भेद सहिष्णु इति तादात्म्य इसको बोलते हैं तादात्म्य तार्कियों कहा नहीं तादात्म्य को का, का जैसे तादात्म्य होता है इसी प्रकार कार्य कारण में तादात्म्य मानते हैं वेदांति लोग भी तादात्म्य मानते हैं इसी प्रकार वृक्षार्पण में तादात्म्य होगा <coughs> इसलिए बोलते देखो वृक्षाणम समि प्रायण बनम समष्टि प्राय से जैसे वन एक हुआ एकत्व तो विपदी स उस वन में एकत्व तो का व्यवहार होता है एकत्व तो मतलब क्या एक और एकत्व तो में क्या अंतर है एक और एकत्व तो में क्या अंतर है एकत्व तो बोल रहे हैं ना आ, बुझेगा भाई एक और एकत्व में क्या अंतर है दुर्गेश <laughs> एकत्व संख्या एकत्व क्या है संख्या को बोलते हैं एकत्व और एक बोलते हैं संख्येय संख्या से परिचिन्न को कहा जाएगा संख्येय एकम बनम तो एकम बनम में एक शब्द का अर्थ क्या संख्या नहीं एक का अर्थ होता है एकत्व विशिष्ट को कहा जाएगा एक एक का अर्थ क्या होगा एकत्व विशिष्ट को एक कहा जाएगा वन एक का अर्थ क्या होता है वन संख्या थोड़ी है वन में संख्या रहेगी वन संख्या नहीं है इसलिए एकम वनम का अर्थ होता है एकत्व संख्या विशिष्टम एकम ये अर्थ तो होता है एकत्व संख्या को कहते हैं तब वनम वन में क्या होता है एकत्व विपदेश एकत्व जो संख्या है संख्या का शब्द प्रयोग होता है वन में दूसरा एक दृष्टांत देते हैं जल का देख लो <coughs> जथावा जलाना, जला नाम समी अयण जलाशय जैसे अनेक प्रकार का जल आता है समंदर में बहुत बड़ा जलाशय है ता अनेक प्रकार जलों का समुदाय हो गया जलाशय वो जलाशय कितना हो गया एक हुआ कि नहीं हुआ है ना? दृष्टांत है ये इसी प्रकार से तथा ना प्रतिभास मना जीवगत अज्ञा समिय प्राण तत्कत्व्यपदेशो देखो ये बोलते हैं इस कहते हैं जीव का तो अज्ञान नाम जीव में रहने वाला जो अज्ञान है वो भास रहा है आ, ये देवदत्त का अज्ञान है hmm. देवदत्त का ब्रह्मो का अज्ञान हुआ तो उसका अज्ञान समाप्त हो गया ठीक है ना भाई और जज्ञ दत्त में अज्ञान है उसका अज्ञान होने से वो मुक्त नहीं वो हुआ बद्ध हुआ देवदत्त में जो अज्ञान है उस अज्ञान के निवृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञान से है ना गत अज्ञान के निवृत्ति हुई ब्रह्म ज्ञान से वो मुक्त हो गया उसे मुक्तत्व व्यवहार होगा लेकिन देवदत्त जो अज्ञान है उसके निवृत्ति नहीं हुई उसकी बद्ध है वो है इसलिए ये कह रहे हैं जीवगत अज्ञान इसको बेस्टी अज्ञान कहते हैं, और सभी अज्ञान को मिला दिया तो समष्टि अज्ञान हो गया समझ में ना? इसलिए इसलिए कहते हैं नाना जीव इसको लेकर बोलते हैं अनेक जीवों को लेकर अज्ञान अलग मानते हो अलग अलग बेष्टि कहते हो बेष्टि अज्ञान को तो नाना हो गया इसलिए अज्ञान से बिष्ट चेतन अनेक जीव हो गए लेकिन समष्टि अज्ञान तो एक ही है समष्टि अज्ञान एक ही है इसलिए समष्टि अज्ञान एक होने से उपहित जो चेतन होगा वो जीव एक ही होगा है ना? इसलिए एक बाद होता है ये स्वप्न दृष्टांत देते हैं सबका अज्ञान अलग अलग भाषण है ये गुरु है ये शिष्य है देखो वहाँ पर भेद हो रहा है शिष्य में भी वो अनेक अनेक हो रहा है इसका अज्ञान अलग है उसका अज्ञान अलग है उसका अज्ञान अलग है लेकिन उठ गया तो कौन सा अज्ञान बाकी रहा सारा समाप्त हो गया कोई भी वहाँ पर जीव और रहा नहीं बस उठने के बाद उठे हुए पुरुष में जैसे कोई अज्ञान नहीं रहा है ना? तो इसी प्रकार से एक जीव मुक्त हो गया तो सारे मुक्त हो गए क्योंकि उपाधि अज्ञान एक है तो वेदांत में एक अजीव बात मुख्य सिद्धांत है मुख्य सिद्धांत है हाँ लेकिन ये मुख्य सिद्धांत एक अजीव भादव ये सबको नहीं समझ में आता है औद्य सिद्धि में बड़ा सुंदर विचार आया एक अजीव वादव नान अजीव वादव एक जीव यदि हो जाएगा गुरु जी को ज्ञान हो गया तो हमको हम भी मुक्त हो जाएंगे इसलिए गुरु जी आपको ज्ञान हो गया तो हो गया बस हमको ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक जीव है आप मुक्त हो गए तो हम भी क्या हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे लेकिन आप भंडारा वगैरह बोलोगे तो हम करा देंगे सब <laughs> और क्या <laughs> तो इसलिए एक जीववाद सम सबको समझ में नहीं आता है कि एक मुक्त हो गया तो सब मुक्त हो जाएंगे है ना इसलिए नाना जीवाद समझाने के लिए कहा जाता है नाना जीव लेकिन मुख्य सिद्धांत तो एक अजीब बाद होता है वास्तविकता तो यही है जो मुक्त हो गया ना वास्तविक वो अपने को मैं मुक्त हो गया नहीं समझता में भी इसके ऊपर बड़ा विचार है जो मुक्त हो गया जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसे नहीं मानता हूँ ब्रह्म का ज्ञान मुझे हुआ ऐसे नहीं मानता है ब्रह्म ज्ञानी तो हम लोग कहते हैं साधक लोग कहते हैं आचार्य गुरु को कि हमारे आचार्य है हमारे गुरु जी ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन ब्रह्म ज्ञानी अपने को ब्रह्म नहीं मानता है अपने को अभी तो ब्रह्मरूप मानता है अपने को जो ब्रह्मरूप मानता है तो कोई भेद रहे नहीं फिर ये मुख्य सिद्धांत होता है <coughs> देखो है श्रुति बोलती है समष्टि अहिप्रायण जीवगत तो अज्ञान तो अलग अलग है लेकिन समष्टि अ प्राय से देखेंगे तो अज्ञान तो एक ही होगा इसलिए अज्ञान में एकत्व तो विपदेश होता है इसलिए अज्ञान एक है एकत्व का विपदेश बोलते हैं शब्द प्रो अज्ञान एक है तो अज्ञान एक है प्रमाण क्या है प्रमाण देखो अजाम एकाम लहिता शुक्ल क्लिष्टा बिह प्रजा श्री जयते श्वेता सत्य उपनिषद इसको लेकर सांख्य लोग भी बोलते हैं कि मूल प्रकृति तो एक है और अजा है अजा न जायते अजा प्रकृति जो है माया वो एक है अजाम ए काम इत्यादि सुते बहुत सारी सुते होती है मायाम तो प्रकृति विद्या माइनम तो महेश्वरम ये भी श्रोता सत्र में आया वो माया जो प्रकृति देखो वहां पर एक बच्चन आया मायाम तुम प्रकृतिम विद्या ये तो माया है माया प्रकृति को माया समझो का <coughs> और यही जो समष्टि माया है ये ईश्वर की उपाधि होती है ये कह एक यम समस्तर, ये जो समष्टि जो अज्ञान माया है ये उपाधि है उत्कृष्ट उपाधि तया ये उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण है ना? तो उसको बोलते हैं उस माया को समष्टि माया को विशुद्ध सत्य प्रधान देखो विशुद्ध सत्यम प्रधानम य तो प्रधान है उसमें भी बहुत सारे गुण है क्योंकि माया तो त्रिगुणात्मिका है सत्य गुण भी रहेगा रजगुण भी रहेगा तम गुण भी रहेगा लेकिन सत्य गुण जो है वो प्रधान रहेगा सत्य गुण ज्यादा रहेगा लेकिन कैसा सत्य गुण बोलते हैं विशुद्ध सत्य गुण रहेगा विशुद्ध सत्य गुण प्रधान हो जिस अज्ञान प्रकृति में उस अज्ञान प्रकृति माया को कही जाएगी विशुद्ध सत्य प्रधान स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि माया के लिए कह रहे हैं <coughs> वो ईश्वर की उपाधि होती है तो सत्यगुण में भी विशुद्धत्व क्या है विशुद्धत्व यह है कि रजगुण तमगुण से से सत्यगुण प्रभावित न हो अभिभूत न हो है ना रजोगुण तमगुण से सत्य गुण प्रभावित न होना यही सत्य गुण की विशुद्धि है लेकिन जीव में जो अज्ञान है ये भी सत्य गुण है प्रधान है लेकिन रजगुण तमगुण से थोड़ा सा दब जाता है कौन दब जाता है जीव का जीव का, जीव का अज्ञान जीव का अज्ञान में जो सत्य गुण है ना वो थोड़ा सा दब जाता है इसलिए जीव जो है हाँ इसलिए विक्षिप्त होता है अल्पज्ञ होता है अल्प शक्तिमान होता है लेकिन ईश्वर अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान नहीं है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है इसलिए कार्य में भेद दिखाई दे रहा है ना कार्य में जब भेद दिखाई दे रहा है तो उपाधि में कुछ ना कुछ भेद मानना चाहिए ईश्वर के कार्य ईश्वर के कार्य है सर्वज्ञत्व तो आदि फलदातृत्व तो आदि दिखाई दे रहा है श्रुति बोलती है और जीव तो बेचारा कैसा है अल्पज्ञ अल्प शक्ति मान है ना लेकिन मूल तो एक ही है मूल प्रकृति तो देखा जाए तो एक ही है इसी प्रकार जैसे दृष्टांत ले लो है तो विद्युत एक ही है एक हजार पावर बल में भी जो विद्युत है पचास पावर का लट्टू होता है उसमें तो बिंदु एक ही है कि अलग अलग है एक ही है हाँ लेकिन जो है एक हजार पावर जो बल्ब है ना हाँ उस उपाधि में कुछ विशेष है जो पूरी शक्ति वो खींचता है वो ज़्यादा शक्ति खींच लेता है समझ में है ना पचास पावर बल्ब में उतनी योग्यता नहीं है उपाधि में विलक्षणता मान्य होगी ना एक हजार बल्ब में पचास वार बल्ब में विद्युत एक ही होता है लेकिन कार्य अलग अलग दिखा रहा है वो अधिक प्रकाश कर रहा है वो कम प्रकाश कर रहा है इसी बगैर देखो ईश्वर में और जीव में चेतन तो एक ही है चेतन तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है लेकिन उपाधि में तो अंतर पड़ रहा है ना उपाधि में यदि तो अंतर न पड़ता तो ईश्वर सर जैसे सर्वज्ञ होगी अजीब भी सर्वज्ञ होना चाहिए जीव यदि अल्पज्ञ है तो ईश्वर भी क्या होना चाहिए अल्प होना चाहिए है ना? इसलिए कार्य में विचित्रता होने के कारण उपाधि में विचित्रता होनी चाहिए <coughs> एक तद उपहितम चैतन्यम ये कह रहा देखो विशुद्ध सत्य प्रधान वाली जो माया है उससे उपहित जो चैतन्य है उसको ईश्वर बोलते हो सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्व आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्जामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदेश्य सकला ज्ञान अभाषकवाद ये देखो ये कहते हैं भाई उसको ईश्वर बोलते ईश्वर हम ईष्ट इति ईश्वर ईशन है वर्ज इसा प्रत्यय करने पर बनता है ईश्वर इस धातु से बरच प्रत्यय करने पर ईश्वर स्थावर होता है बरच करने पर स्थावर होगा इस धातु से बरच प्रत्यय करने पर ईश्वर होगा इसको ईश्वर बोलते हैं ईश्वर में क्या गुण है भाई तो विशिष्ट चेतन हो गया ना विशिष्ट चेतन में ही कुण रहेगा निर्विशेष में किसी प्रकार का गुणा नहीं होगा कि निर्विशेष में किसी प्रकार गुणा को हो गए तो व्याघात हो जाएगा ना निर्विशेष भी कह रहे हो और क्या विशेष भी कह रहे हो ये हो तो होगा ना तो विशिष्ट में रहेगा सर्वज्ञ इसके भी बड़ा विचार है पंचादी बहुत विचार है निर्विशेष में रहेगा विशेष निर्विशेष में रहेगा कि सविशेष में रहेगा निर्विशेष में तो रह नहीं सकता है सविशेष में रहेगा तो वहाँ पर ही बहुत सारे दोष आता है रह दोष आता है अनन्यासरा दोष होता होता है है ना फिर जो है चक्र का दोष होता है अनवस्था दोष होता है बहुत सारे दोष होता है भाषरा है बस इतना मान लो विशेष तो कल्पित होता है इसलिए कल्पित पदार्थ अपने अधिष्ठान में भासता है रहता कहाँ पर कहोगे तब तो इसका कोई उत्तर नहीं <laughs> निर्विशेष में हो ही नहीं सकता है विशेष में भी नहीं हो सकता विशेष इस अगर गुण को भी ले लो गुण निर्गुण में रहेगा कि सगुण में रहेगा वहाँ पर भी बहुत सारे दोष होता है इस वक्त क्रिया कहाँ रहेगी निष्क्रिय में रहेगी कि सक्रिय में रहेगी वहाँ पर भी बहुत सारे दोष होता है सारा संसार जब कल्पित है अरे अज्ञान जब कल्पित है तो अज्ञान का कार्य भी कल्पित होगा इसलिए कहाँ रहेगा ये नहीं कह सकते भास रहा है अधिष्ठान में बस <coughs> तो इसी प्रकार सब भास रहा है अज्ञान जब कल्पित है तो अज्ञान निमित्त का जो सर्वज्ञत्व आदि गुण है ये भी सब कल्पित है तो क्या गुण है सर्वज्ञत्व ये गुण है वो सबको जान लेता है सर्वम जाना जाना दीदी सर्वज्ञ सबको जानने का धर्म हम्म और सबको शासन कर लेता है इसी के लिए सर्वेश्वरत्व फल सबको दे रहा है फल दे करके सर्वेश्वर हुआ हम्म फलदात ना सर्वेश्वरत्व और साक्षित या सर्वज्ञत्व होता है ये ध्यान रखना है सबको प्रकाशित करेगा ना उस स्वरूप से सबको प्रकाशित कर लेता है ईश्वर इसलिए सर्वज्ञ आ गया हम्म फल दे करके सर्वे आ गया और सबका नियामक सब है वो सबकी बुद्धि में वही है सबकी बुद्धि में रह करके वो सबका नियंता सर्वनियंत्रित्व ना नियंत्रित्व धर्म आया ऐसे गुण वाला है वो अव्यक्त भी कहते हो उस ईश्वर को अव्यक्त भी कहा जाता है <coughs> अव्यक्त शब्द का प्रयोग माया में भी होता है चेतन की प्रधानता से अव्यक्त शब्द का प्रयोग ईश्वर में होता है ईश्वर की जो उपाधि है माया उपाधि के प्रधानता से माया में भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग होगा अव्यक्त शब्द सुनते ही ये नहीं समझना है कि ईश्वर को लेना है कि माया को प्रकरण के अनुसार लिया जाता है कहीं ईश्वर के लिए भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग और माया के लिए भी अव्यक्त शब्द का प्रयोग यहाँ पर ईश्वर चेतन के लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग आया है ना अंतर्यामी जगत कारणम वही जगत का कारण है तो अधिष्ठान की प्रधानता से विवर्त उपादान है चेतन की प्रधान है अधिष्ठान की प्रधानता से विवर्त उपादान भी होगा और जो है आ, उसकी जो उपाधि है उपाधि को लेकर के जो है सबका ज्ञान भी है जगत को कैसे बनाना उसका ज्ञान भी है उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम यही कहते हैं कर्तृत्वम नो कहते हैं ना जगत का उपादान जो माया है उसको भी जानता है ईश्वर हाँ बनाने की इच्छा भी है वो कृति भी है माया उपाधि को लेकर के जो ज्ञान होता है वृत्ति रूपी ज्ञान माई का वृत्ति रूपी ज्ञान माई का वृत्ति रूपी इच्छा माई का वृत्ति रूपी कृति उसका अधिष्ठान हो करके उसी ब्रह्म को ही निमित्त कारण भी कहते हो दोनों हो जाएगा उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है हम्म तो सब ले लो जगत कारणम ईश्वर उसको ईश्वर शब्द से भी कहते हैं सकल अज्ञान अभाषक समस्त अज्ञान जीव में रहने वाले अज्ञान सबको वही प्रकाशित करता है साक्षी रूप से सूती बोलते यह सर्वज्ञान सर्वेद इतिश्रूते है ईश्वर जो है अपने स्वरूप ब्रह्म को भी जानता है ईश्वर ईश्वर जो है जगत का कारण अपने स्वरूप शुद्ध ब्रह्म को भी जानता है और ब्रह्म ज्ञानी को भी जानता है दोनों को दोनों को किसको भी ब्रह्म को भी और ब्रह्म का साक्षात्कार जिसको हो गया जीवन मुक्त को भी दोनों को चित्त रूप से जानता है इसलिए सर्वज्ञ सर्व इतिश्रुते है ओम पूर्ण मद पूराट पूरमुदचते पूराश्य पूरमादा पूरमे बावस्य ओम शांति 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 शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरा सूत्र भगव श्वरो गुरुराने मूर्ति भेद विभा व्योम व्याप्त देहाय नमः नम ओ शांति शांति